हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है दिव्यश। और गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। जी हाँ, तो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको कि डिजिटल सिग्नेचर DSC क्लास 2 क्या होता है, क्लास 3 क्या होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आपकी कोई भी अगर आप लीगल सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.myonlinecea.in से अवेल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि डिजिटल सिग्नेचर एटलीस्ट आखिर होता क्या है बेसिकली। तो देखिए, डिजिटल सिग्नेचर आप ये कह सकते हैं, मतलब आपका जो साइनिंग होता है वो एक तरह से डिजिटल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। मैं आपको एक सैंपल कॉपी दिखाना चाहूंगा। फॉर एन एग्जांपल, आप मेरी स्क्रीन के सामने यहां पे देख सकते हैं, ये एक पीडीएफ कॉपी है। यहां पे आप ऊपर फ्रंट में देखेंगे, ये जो है साइन किया हुआ, ये डिजिटली साइन है। जी हां, तो यहां पे बेसिकली गाइस जो है पूरा का पूरा डिजिटली साइन होता है। मतलब आपका जो सिग्नेचर है, आप जब जिस सिग्नेचर प्रॉपर्टी में क्लिक करेंगे तो ये पूरा डिटेल के अंदर आपको बता देता है कि यार किसने साइन किया है, कितने टाइम पे किया है। और एक बार अगर साइनिंग हो गया तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो गाइस, जो डिजिटल सिग्नेचर है उसका पर्पस क्या है बेसिकली, तो ये देखिए, गवर्नमेंट के कई सारे काम है वहां पे ये काम आता है। जैसे मान लीजिए, अगर आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर है या आपकी खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो वहां पे आपको अपने DSC के थ्रू फाइलिंग करनी पड़ती है, नॉर्मल फाइलिंग नहीं होती है। उसके अलावा गाइस, अगर आप अपनी इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी बनाना चाहते हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP या OPC MCA के थ्रू, तब भी वहां पे आपको कोई भी जो डायरेक्टर होगा या जो भी पार्टनर होगा LLP के अंदर, उसके डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होते हैं। उसके अलावा गाइस, अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, खुद अगर आप ट्रेडमार्क करवाते हैं वेबसाइट के ऊपर जाकर, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर, तब भी आपको जो है यहां पे डिजिटल सिग्नेचर लगता है। इसके अलावा ROC के एनुअल कंप्लायंसेस होते हैं, एक बार अगर आपने कंपनी बना ली उसके बाद में बैलेंस शीट आपको फाइल करनी है, P&L अकाउंट अगर आपको गवर्नमेंट को सबमिट करना है, तो इन टैक्स ऑडिट करवानी है, तो इन सभी चीजों के अंदर आपको डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा गाइस, गवर्नमेंट के कुछ टेंडर्स होते हैं, जब आप गवर्नमेंट के टेंडर्स के अंदर आप अप्लाई करते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन बिडिंग चलती है, तो इसके अंदर भी आपका डिजिटल सिग्नेचर का यूजेस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं बात करूंगा कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्लास 2 डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। तो देखिए, सिंपल सी भाषा में बताऊंगा मैं आपको, जो क्लास 2 के DSC है वो मेनली जो है जनरल पर्पस के लिए यूज में लेते हैं। मतलब बेसिकली जो नॉर्मल काम होते हैं बेसिकली गवर्नमेंट से रिलेटेड, जैसे कि आपका मैंने बताया, आपको ROC की फाइलिंग करनी है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है, आपको अपनी कंपनी बनानी है, या मान लीजिए कोई PDF के अंदर आपको उसको डिजिटल सिग्नेचर को अटैच करना है, उसको सिक्योर करना है ताकि उस PDF को कोई भी चेंज ना कर सके, कोई भी आपको ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करना है, तो इस सब केसेस के अंदर आपको क्लास 2 के DSC जो है बेसिकली काम में आते हैं। क्लास 3 के जो DSC है वो जनरली बहुत ही ज्यादा हाई सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से काम में आते हैं। ये जनरली बेसिकली बैंक के द्वारा यूज में लिए जाते हैं, या फिर बेसिकली मान लीजिए गवर्नमेंट के जो ऑफिस होते हैं उनके द्वारा यूज में लिए जाते हैं, जो सर्टिफिकेट वगैरह को अप्रूवल देते हैं। इवन आज आप देखते होंगे आपका GST सर्टिफिकेट है, ये सब भी जो है डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू अप्रूव होकर आता है। तो वहां पे भी आपको जो सिग्नेचर मिलेंगे, आपको हैंड राइटिंग में सिग्नेचर नहीं मिलेंगे, आपको डिजिटली साइन मिलेंगे। तो गाइस, यहां पे अगर आपको गवर्नमेंट टेंडर के अंदर पार्टिसिपेट लेना है, तब वहां पे आपको क्लास 3 के DSC चाहिए होंगे। जी हां, वहां पे क्लास 2 के DSC नहीं चलेंगे। अब मैं बात करूंगा कि ये DSC बनाता कौन है, इश्यू कौन करता है। तो देखिए गाइस, इंडिया के अंदर DSC बनाने का काम जो है सर्टिफाइड अथॉरिटी को दिया गया है। अब ये सर्टिफाइड अथॉरिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी अथॉरिटी से, नहीं, ये केवल लिमिटेड अथॉरिटी से, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर को बनाती है और इश्यू करती है। तो गाइस, जो इसकी वैलिडिटी होती है नॉर्मली 1 से 2 साल के लिए होती है। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि इंडिया के अंदर इसको कौन कौन बनाता है, तो पहला तो हो गया NIC, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। तो ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है और ये गवर्नमेंट के केवल जो ऑफिसर्स होते हैं उनके सर्टिफिकेट के अप्रूवल वगैरह उन्हीं के लिए सिर्फ बनाती है, जनरल पब्लिक के लिए नहीं बनाती। उसके अलावा सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है, जो जनरल पब्लिक जैसे हम जैसे लोग हो गए, CA हो गए, या फिर मान लीजिए आप बेसिकली जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं कोई कंपनी के अंदर, या मान लीजिए कोई भी नॉर्मल जो लोग हो गए उनकी बात करूं, तो उनके लिए E-मुद्रा सबसे ज्यादा पॉपुलर है। उसके बाद में एनकोड सॉल्यूशन सी है, जो कि बेसिकली गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया हुआ है। मतलब प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनी है लेकिन जनरल पब्लिक के लिए DSC बनाती है और अच्छा खासा बेसिकली यहां पे पॉपुलर फॉर्म में ही है। उसके बाद में एक है सैफ स्क्रिप्ट, जो कि सिफी टेक्नोलॉजी की फर्म है, सब्सिडियरी कंपनी है उनकी। तो ये तीनों जो E-मुद्रा है, एनकोड सॉल्यूशन है और सैफ स्क्रिप्ट, ये तीनों बहुत ज्यादा पॉपुलर है कॉमन लोगों के बीच में DSC बनाने को लेकर। उसके अलावा गाइस, CADC है, NSDL है, कैप्रिकॉन है, पेंटासाइन, IDSign, IDRBT, ये सारी बहुत सारी कंपनियां हैं जो बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव है, इनके थ्रू भी आप जो है अपना DSC बनवा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि DSC के अंदर डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। तो सिंपल आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, फोटो, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, और आजकल यहाँ पे एक वीडियो KYC का कॉन्सेप्ट चालू हो गया कि आपको यहाँ पे एक वीडियो बना के देना पड़ता है। मतलब उनकी तरफ से एक लिंक आती है सर्टिफाइड अथॉरिटी की तरफ से, और वहाँ पे आपको एक वीडियो बना के देना पड़ता है कि मेरा ये है नाम है, और उसके बाद में आपका DSC इशू होता है। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि DSC देखिए बेसिकली एक फाइल होती है, मतलब एक डिजिटली
कोई फाइल होती है बेसिकली, लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपको उसको स्टोर करना है या कहीं पे लेके जाना है तो आप ईमेल वगैरह इनके थ्रू आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको इस टाइप की एक पेन ड्राइव चाहिए होती है। ये बेसिकली यूएसबी टोकन कहलाते हैं। इन यूएसबी टोकन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपना जो डीएससी की जो फाइल है, आपकी जो सिग्नेचर की जो फाइल है, उसको आप सिंपली स्टोर कर सकते हैं। ये बहुत ही एनक्रिप्टेड मोड के अंदर होती है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी यार मेरा मिसयूज कर लेगा, बिल्कुल पासवर्ड वगैरह प्रोटेक्टेड रहती है। और गाइस सेकंड थिंग ये, कई लोग ये सोचते हैं कि यार कोई मेरे नाम से कोई बैंक के अंदर कोई एक्टिविटी ना कर दे, या मेरा कोई चेक ना इशू कर दे डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये बहुत ही एनक्रिप्टेड होते हैं और बहुत ही हाईली सिक्योर लेवल पे होते हैं, और जनरली बेसिकली जो गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं उनके अंदर नॉर्मली ये काम में आते हैं, बाकी बैंक्स वगैरह इतने ज्यादा यूज में नहीं लेते। अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो गाइस दो टाइप की यहां पे आपको फीस जो है बेसिकली मार्केट के अंदर लगती है। एक तो होती है स्टैंडर्ड फी। स्टैंडर्ड फी का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने आपको बता दिया कि यहां पे सिफी भी देता है आपको, और उसके अलावा ई मुद्रा होता है, और उसके अलावा ये तीन चार मैंने आपको जो फॉर्म के नाम बताया। आप क्या कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वहां से अगर आप डीएससी डायरेक्टली परचेस करेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्राइसिंग होती है, वहां पे आपको 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए के अंदर आपको डीएससी जो है क्लास 2 के अवेलेबल हो जाते हैं, और क्लास 3 के जो है 3-4 हजार रुपए तक प्राइसिंग जाती है। अगर दूसरी फीस होती है बल्क फीस। अब ये बल्क फीस क्या होती है, यहाँ पे क्या होता है, कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो डीएससी एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बल्क के अंदर इन कंपनियों से डीएससी में बाय कर लेते हैं। इससे क्या होता है, इनकी जो बाय करने की जो कॉस्टिंग है वो बिल्कुल कम आती है। तो अब ये आगे जो रीसेल करेंगे वो और कम प्राइसिंग के अंदर करेंगे आसानी से, मतलब अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के भी आपको जो प्राइसिंग मिलने वाली है वो बहुत ही कम मिलने वाली है एज कंपेयर टू अगर आप डायरेक्ट उनकी वेबसाइट से खरीदते हैं। इवन गाइस माय ऑनलाइन सी भी जो डीएससी के अंदर डील करता है, अगर आप डीएससी लेना चाहते हैं बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर, तो आप हमारी वेबसाइट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे अगर आप बल्क के अंदर बेसिकली किसी भी एजेंट के थ्रू या किसी अच्छी वेबसाइट के थ्रू अगर आप डीएससी लेते हैं तो वहां पर आपको 500 से 1000 रुपए के अंदर भी यहाँ पे आसानी से डीएससी मिल जाता है। तो गाइस ये हो गया पूरा का पूरा डीएससी का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर मैं आपको ओवरऑल अगर मैं समरी की बात करूं तो क्लास 2 के जो डीएससी वो नॉर्मल सारे कामों के अंदर काम में आते हैं, अपना इनकम टैक्स फाइलिंग, आरओसी फाइलिंग, ट्रेडमार्क, इन सभी चीजों के अंदर काम में आएंगे। लेकिन जो क्लास 3 के वो नॉर्मली गवर्नमेंट के जो टेंडर्स होते हैं उनको फाइल करने के लिए काम में आते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस।